1057 इज हियर एंड वानो फाइनली ख़त्म हो गया। इस चैप्टर पर मेरे मिक्स्ड थॉट्स हैं। एक्चुअली चैप्टर अच्छा था बट एक हरकत ऐसा हुआ जो मुझे पसंद नहीं आया। इंट्रो देख लो फिर बात करते हैं डिटेल में। लेट्स बिगिन। ओके सो यामाटो स्ट्रॉ हैट ज्वाइन नहीं की, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। अब वो ज्वाइन नहीं की इससे प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट इतने ज़्यादा हिंट्स के बाद भी ज्वाइन नहीं की इससे प्रॉब्लम है। लमा नो वन कैन आर्ग्यू कि यामाटो को ओडा ने एज दी नेक्स्ट स्ट्रॉ हैट हद से ज़्यादा हिंट किया था। रीज़न भी मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगा बट ठीक है। एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा वो ये है कि लूफी ने बोल दिया कि यामाटो जब चाहे तब क्रू ज्वाइन कर सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि यामाटो वानो के पूरा घूमने के बाद वो जिम्बे जैसे लेट स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन करेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि फाइनल वॉर में यामाटो एज अ स्ट्रॉ हैट लड़ेगी जैसे जिम्बे वानो वॉर में एज अ स्ट्रॉ हैट लड़ा। वेल यामाटो इज़ नॉट दी ओनली वन जो कि जब चाहे स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन कर सकती है। लूफी ने मोमो और किनेमोन को भी बोला है ये सेम चीज़, बट ये दोनों कभी नहीं करेंगे तो अच्छा है। अब ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं कि मोमो फ्यूचर में स्ट्रॉ हैट्स नहीं ज्वाइन कर सकता। ओडन जैसा बाउंसर मार सकता है मोमो भी, बट उसके लिए आई गेस अच्छा खासा टाइम है। जैसे मोमो ने पहले बोला था कि वो पहले वानों को सुधारने पर फोकस करेगा, तो 5-6 साल से पहले मोमो स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन नहीं करने वाला। नाइस किनेमोन से तो भाई मुझे चिढ़ मच गया, उसको मरना चाहिए था। फक किनेमोन, वो कभी स्ट्रॉ हैट ज्वाइन नहीं करना चाहिए भाई, चाटे पड़नी चाहिए उस बंदे को। लेट्स होप कि यामाटो जल्द ही स्ट्रॉ हैट्स ज्वाइन कर ले। मज़ा आएगा जब सांजी उसके लिए सिंप करेगा और नामी सांजी फिर जूत बजाएगी। लेट्स टॉक अबाउट मोमो, ठीक है, चोदोनस के। वैसे तो मुझे मोमो इतना पसंद नहीं है एज यू ऑल नो, अनोइंग है धूर। इस चैप्टर में भी ये और किनेमोन फुद्दू बातें करते हुए दिखे हैं। किनेमोन जो डिक्राइड करता है भाई मोमो शोगुन का, भाई चाटे पड़ा हुआ है इसको, ये क्यों नहीं मरा यार, इसको मारो कोई, औकात से ज़्यादा बात करना है इसको। बट मोमो इस चैप्टर में मुझे अच्छा लगा। सारे ज़बरदस्ती के होशियारी को साइड रख के वो अपने ट्रू फीलिंग्स को सामने लाया। पहले भी वो कर चुका है सेम चीज़, बट इस बार पहले से कूल लगा मुझे मोमो। नाइस, लेकिन फिर इसने हग भी दिया। मतलब एक बात बताओ, क्या ज़रूरत है बोलने की कि मैं अपने बाप को सरपास करेगा? मतलब क्यों इसको ज़बरदस्ती बोलना ज़रूरी है हर चीज़, पता है? उसके बाद यामाटो बोल रही कि मेरे बारे में बात कर रही है। फनी। ओवरऑल इसका और लूफी का कन्वर्सेशन मुझे अच्छा लगा। लूफी के बारे में लास्ट में बात करेंगे, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट लॉ। मैंने लास्ट चैप्टर में नोटिस नहीं किया था बट लमाओ लॉ इज सैड कि उसका अलायंस ख़त्म हो गया है। चॉपर को जिस वे में चुप करवाया भाई, वो लॉ अंदर से रो रहा है बे। सैड। इसके अलावा जो लूफी लॉ किड का जो नोक चोक दिखा है, एज ऑलवेज मस्त। इनकी केमिस्ट्री मस्त लगती है मुझे यार, मज़ा आ गया। ये कॉमेडी करते हैं भाई, एंड इनका कॉमेडी वर्क भी करता है। नाइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूफी। ओके सो लूफी ने जो इस चैप्टर में किया वो इजिली वन ऑफ द बेस्ट वन पीस मोमेंट बन गया है मेरे लिए। लूफी ने एक योंको जैसे एक्ट किया है इस चैप्टर में। वानो को लूफी ने ऑफिशियली अपना टेरिटरी बना लिया है। वानो लूफी का फर्स्ट ऑफिशियल टेरिटरी है। एंड डैम द वे लूफी ने बोला कि कोई भी वानो से अगर भिड़ा तो वो स्ट्रॉ हैट से भिड़ेंगे, भाई डैम गूज़बम्प्स। ये पैनल रीड करते टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्र इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। मज़ा आ गया ये पेजेस रीड करके। जब लूफी योंको बना था तब इतना फील नहीं हुआ था, बट अभी ऐसा लगा कि हाँ भाई लूफी एक्चुअली में एक योंको बन गया है। ही इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग न्यू वर्ल्ड एंड पायरेट्स नाउ। अब लूफी के अगेंस्ट भी रूकीज आएंगे। आई रियली होप कि हमें आर्क्स के बीच, मतलब अपकमिंग आर्क्स के बीच, एक दो रूकीज लूफी को चैलेंज करते हुए देखने को मिले और उन रूकीज़ को फिर जोरो सांजी उनकी औकात दिखाए। मज़ा आएगा देखने में अगर ऐसा कुछ हुआ तो। एंड आई गेस अब लूफी फिशमैन आइलैंड को भी अपना टेरिटरी बना लेगा, ऑफिशियल टेरिटरी बना लेगा। जिम्बे उनके साथ है तो आई गेस फिशमैन वालों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा परमिशन के लिए। मतलब भाई बिना परमिशन के ऐसी अपने से थोड़ी ना स्ट्रॉ हैट्स का वो फ्लैग लगा लेंगे लमाओ। इसके अलावा चैप्टर में एक पूरा स्किट दिखाया गया है अबाउट हाउ वानो वॉरियर्स विद द हेल्प ऑफ लूफी एंड द अदर्स फ्रीड देमसेल्व्स एंड वानो फ्रॉम ईविल काइडो एंड ओरोची।
इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं, लाइक ठीक था आई गेस, लाइक क्या, ओके नाइस। वेल वानो का एक्ट 3 खत्म, वानो ही खत्म। 2 साल पहले कैचअप किया था मैंने जब मांगा से, तब क्वेश्चन आता था दिमाग पे कि कब वानो खत्म होगा, एंड अब जब खत्म हो गया है तब पता नहीं क्यों बट अच्छा लग रहा है, लाइक फाइनली एक आर्क को लाइफ खत्म होते हुए विटनेस किया है मैंने, एंड मेरे साथ बहुत लोगों ने भी, एंड हम लोग जो है एक न्यू आर्क के बिगनिंग को भी विटनेस करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। नाइस, दैट्स इट। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है आई गेस, हाँ नहीं है। एंड क्या हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में? वेल हो सकता है कि वानो के बाहर का ही कुछ सीन दिखे, या फिर जो आइलैंड उलेट में तीनों किड लॉ लूफी लोगों ने डिसाइड किया, जो जो आइलैंड में जाएंगे उसमें जाते हुए दिख सकते हैं। मेरे को लगता है जहाँ तक कि उस आइलैंड में जाने तक का जर्नी दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई सीधा पहुँचा देंगे वहाँ पर, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में, मज़ा आएगा। एंड मैं सोच रहा है कि एक वानो पे डेडिकेटेड वीडियो लाऊं जिसमें वानो के अच्छे एंड क्या प्रॉब्लम्स थे सब कवर करेगा मैं, मतलब पूरे वानो आर्क के बारे में बताएगा मैं, बात करेगा मैं, रेट भी कर देगा भाई वानो आर्क को, क्या मतलब किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता मेरे ओपिनियन से, मैं तो लाएगा फिर भी। टॉप 10 फेवरेट और टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वानो के एक्टर्स, मतलब वो ओनिगाशिमे वाला जो मैंने बोला था ना उसका एक और पार्ट बनाऊंगा वो भी लाना है। फक, ब्लैक ब्लेड थ्योरी भी पेंडिंग है भाई, फक लाता है सब धीरे धीरे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय। मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है, या तो बाय बाय।